गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरे घर से मेरी मम्मी और मेरे छोटे भाई और मेरे हस्बैंड आए हैं। अभी हम सब जा रहे हैं बाहर, तो चलिए मेरे साथ। सो ये है मेरी मम्मी। मम्मी आज चादर में खेला पहन के आई है। और ये है मेरे छोटे भाई और वो बहुत प्यारे हैं। और ये रहे मेरे हस्बैंड। और अभी हम जा रहे हैं बाहर, तो जाके पहले हम खाना खाएंगे क्योंकि खाना नहीं खाया हमने। तो यहाँ पे हम आ गए हैं खाना खाने और अभी जाते हैं अंदर, तो खाने के लिए इंतज़ार हो रहे हैं यहाँ पे। तो हम में से किसी ने भी खाना नहीं खाया था, इसलिए हमने थाली मंगवाए थे। और यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रही हूँ खाने का क्योंकि बहुत भूख लगी थी। और यहाँ पे आ गए हैं हमारी थाली, तो अभी खा लेते हैं और खाने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। और अभी हमने खाना खा लिया है और बाहर आ गए हैं हम। अभी हमें जाना है फैंसी बाज़ार, वहाँ पे जाके कुछ शॉपिंग करना है। तो अभी जाते हैं फैंसी बाज़ार और देखते हैं क्या क्या लेते हैं। फैंसी बाज़ार आके मैंने बहुत सारे पैंट्स और टॉप्स ट्राई किए थे, लेकिन मेरे साइज़ का नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिया। और मेरी सिस्टर ने लिया था टॉप स्कर्ट और पैंट लिया था उसने। और यहाँ पे मैं ट्राई करके देख रही थी शर्ट एक, तो ये इतना ज़्यादा खास पसंद नहीं आया इसलिए नहीं लिया मैंने। और फिर हम चले गए थे मस्जिद गली फैंसी बाज़ार के, और वहाँ पे जाके मेरी सिस्टर ने एक बैग लिया था और मैंने लिया था शूज़, मतलब चप्पल लिया था और शू लिया था। तो अभी दिखाते हैं आपको। और यहाँ पे मम्मी भी कुछ देख रहे थे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं लिया, मैंने और मेरी सिस्टर ने ही लिया था। तो वो रूम पे जाके दिखाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है और अभी जाते हैं और दिखाते हैं। और फिर हम आ गए थे गणेशगुरी, और यहाँ पे आके मम्मी ने कुछ मेडिसिन्स लिया था और मैंने लिया था एक ईयरफोन। मेरे हस्बैंड ख़रीद के दे रहे थे मुझे ईयरफोन। और उसके बाद हम चले गए थे ट्रेंड्स, और वहाँ पे जाके मेरी सिस्टर ने कपड़े देखे थे लेकिन उसको पसंद नहीं आया। और मैंने दो कुर्तीज़ ले लिए थे, तो दिखाते हैं अभी। और फैंसी बाज़ार से मैंने ये चप्पल और शूज़ लिया था मैंने, और कुर्ती जो मैंने ली थी ट्रेंड से वो भी है यहाँ पर, मैं दिखाती हूँ अभी आप लोगों को। सो ये है वो दो कुर्तीज़ जो मैंने लिया था ट्रेंड से। तो आप लोग बताना कैसी लग रही है। और एक नेल पॉलिश रिमूवर भी लिया था मैंने। और ये है पिठास जो मेरी मम्मी घर से लेके आए थे हमारे लिए, तो बहुत अच्छा था, हमने बहुत अच्छे से खाया। थैंक यू मम्मी फॉर पिठास। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।